अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है तू। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे जो अभिमन्यु हैं संबित पात्रा जी अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं। पूरी बात आप लोगों को बताएंगे, दिल थाम के बैठे रहिए। दोस्तों कुछ दिनों पहले टीवी की लाइव डिबेट में आके संबित पात्रा जी ने गौमूत्र का ये फायदे, गौमूत्र के वो फायदे, गौमूत्र से इस चीज का इलाज होगा, उस चीज का, गाय का गोबर डायमंड से भी ज्यादा कीमती। जी हाँ दोस्तों, असाउद्दीन ओवैसी के साथ उन्होंने डिबेट की थी, उसमें उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर बोला था कि गाय का जो गोबर होता है वो हीरे से भी ज्यादा कीमती होता है। दिखाएंगे आपको वीडियो पूरी उनकी, वो वीडियो भी दिखाएंगे। और आपने हाल ही के दिनों में सुना होगा कि संबित पात्रा जी को कोरोना वायरस के लक्षण संबित पात्रा जी में पाए गए हैं और उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। वो हॉस्पिटल में इस टाइम और उनका जो है इलाज चल रहा है, ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे। उससे पहले कि आपको एक वीडियो दिखाएंगे, बीजेपी की एक प्रवक्ता है, एक विधायक है, जो ये बोल रही है कि गौमूत्र से और गाय के गोबर से क्या क्या हो सकता है, पूरी लंबी एक थ्योरी उन्होंने दे रखी है। फिलहाल हम आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाएंगे और संबित पात्रा जी की वो क्लिप भी दिखाएंगे जिसमें वो बोल रहे हैं कि गाय का जो गोबर होता है वो डायमंड से भी ज्यादा कीमती होता है। इसी पर एक बिहारी नौजवान ने संबित पात्रा जी को जवाब दिया है। अब जबकि उनको कोरोना वायरस के लक्षण उनमें पाए गए हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है, तो हाल ही में एक वीडियो जारी करके एक बिहारी ने उन्हें कड़ा जवाब दिया है। और वो जवाब क्या दिया है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल हम आपको सबसे पहले वो वीडियो दिखाते हैं संबित पात्रा जी की और वो बीजेपी की जो लेडीज विधायक है उनकी। सबसे पहले देखिए उसकी, संबित पात्रा जी की ये वीडियो। मुझे नहीं सुनना है गाय के बारे में, मुझे इंसानों के बारे में सुनना है। क्यों, गाय इंसान नहीं है? नहीं, गाय इंसान नहीं, गाय जानवर होती है। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। सुप्रीम वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से संबित पात्रा गाय के गोबर को डायमंड से भी ज्यादा महंगा बता रहे हैं। अब कोरोना वायरस का इलाज करने के लिए जो बीजेपी की दूसरी मोहतरमा है उनका क्या कहना है, उनकी वीडियो देखिएगा, फिर मैं बताऊंगा कि संबित पात्रा के कोरोना वायरस से इसका क्या लिंक है और संबित पात्रा जी का इलाज में अब कैसे होगा, पूरी बात आप लोगों को दिखाऊंगा। फिलहाल देखिए बीजेपी की मोहतरमा की ये वीडियो। काउडांग के साथ घी, गुगुल और जो अमरलता हम गिलोई बोलते हैं उसका रस मिला के अगर हम प्रयोग करें, साथ में और दो तीन चीजें हैं, तो हम रस मिला के अगर हवन जैसे आहुति दे या यज्ञ करें तो उसकी जो धुआं निकलेंगे इसकी, उससे हवा मुझे लगता है कि बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे कोरोना वायरस जैसे डिजीज से शायद ही मुक्ति मिले। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, नहीं पढ़ी नहीं वो लाइन, ये भूल गए थे, जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है सर। ये गलत बात, ये आपत्ति है। तो देखा दोस्तों ये मोहतरमा किस तरीके से कह रही है कि गाय के गोबर से कोरोना वायरस का इलाज हो जाएगा और ये पक्की खबर है दोस्तों। और इसकी अब जो है इम्प्लीमेंट करने की जरूरत आ चुकी पड़ी है, क्योंकि हमारे जो अभिमन्यु जो हैं संबित पात्रा जी इस टाइम ग्रस्त हो चुके हैं, हॉस्पिटल में हैं, उनके अंदर कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। तो अब उनका इलाज करने के लिए ये जो बीजेपी की मोहतरमा बता रही हैं और ये जो संबित पात्रा जी अपने ही मुंह से बोल रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया जाएगा। किया क्यों जाएगा, अरे भाई तुम पूरी दुनिया को बोल रहे हो, जितने भी हमारे 1,30,00,000,000 जनसंख्या है देश की, उन सबको गाय के गोबर और गोमूत्र के फायदे बता रहे हो, तो आप अपने ऊपर भी तो इम्प्लीमेंट करो उस चीज को। जब आप इस कंडीशन पे इस टाइम खड़े हुए हो तो आप खुद भी उसका जो है यूज करो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक और वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूं। ये बिहारी लड़का जिस तरीके से इसने ये बोला है, जिस तरह से ये बोल रहा है कि संबित पात्रा जी का जो इलाज होगा अब वो गाय के गोबर से और गोमूत्र से होगा, चलिए दिखाते हैं आपको इसकी ये वीडियो। ये जो है ना बहुत जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध धर्म करता था, आज के टाइम में पता चला है कि जो प्रवक्ता है 10 में राजनीतिक में आया और 14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना तो उसको प्रवक्ता बना दिया। करता था जब भी आता था ना चैनल पे, तब भी जो है ना जब भी आता था वो सिर्फ जहर के अलावा कुछ नहीं उगलता था, सिर्फ जो है टीवी चैनल पर जहर उगलता था,
जिसका नाम है संबित पात्रा। आज सुनने में आया है कि कोरोना वायरस का लक्षण दिखा गया है, तो दूसरे आदमी को कहता था कि गौ मूत्र पियो, गाय गोबर खाओ, अपने गाँव गाय गोबर खाओ ना, आज गौ मूत्र पियो ना, कि उसको जमात्रा का कोरोना वायरस का लक्षण दिखा, आज ये खाए ना गौमूत्र पिए, कोरोना वायरस भाग जाएगा, ताली बजाए कोरोना वायरस भाग जाएगा, गौमूत्र पिए, गौ गोबर खाए जमा। तो देखा दोस्तों, अब इस बिहारी लड़की की बात सुनो, कहते हैं कि आसमान की तरफ थूकोगे तो अपने ही ऊपर आके गिरेगा, ये बड़े बुजुर्गों की बहुत पुरानी कहावत है जो कि आज बिल्कुल फिट बैठती है। आपकी क्या राय है इसमें दोस्तों, ये बात गलत तो नहीं है? अगर आप दूसरे लोगों को सलाह देते हो तो अपने ऊपर भी तो करोगे, अपने ऊपर भी तो इम्प्लीमेंट उसको करोगे, तभी तो जो है दूसरों लोगों तक इसके फायदे और इसके नुकसान के बारे में आप बात पहुंचा पाओगे। तो दोस्तों, ये जो बिहारी लड़का है, इसने इस टाइम संबित पात्रा जी को जो मशवरा दिया है वो आप लोगों के पास तक रखना बहुत जरूरी था। मैं आपका भाई शारिफ खान ऑल टाइप नॉलेज चैनल से, अगर मेरी वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर दबाना, ठीक है? एक मजेदार वीडियो के साथ अगली बार फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।